हेलो अरविंद, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम जानते ही हैं कि किस तरीके से हमने होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेली और रिव्यू का यूज़ करना सीखा। अब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं व्यू के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, ठीक है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखना चाहते हैं तो हम व्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है, उदाहरण के लिए छोटा सा ये डॉक्यूमेंट ले लिया, या मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि एक लेटर ले लेता, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, एक लेटर ले लिया। अब मैं इस लेटर को क्या करना चाहता हूँ, अब इसको ध्यान से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान से देखने के लिए मुझे अपने, ठीक है, इसको ऊपर नीचे करना पड़ा। पर मैं इसको एक पेज में देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये क्या लिखा हुआ, रीड, ठीक है, ऑल, ठीक है, ऑल स्क्रीन, ठीक है, रीड ऑल स्क्रीन। अगर मैं रीड ऑल स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, मैं अपने पैराग्राफ की, ठीक है, अपने पूरे पैराग्राफ की लाइन को रीड कर सकता हूँ, ठीक है, पूरा। इसके बाद आती है हमारी वेब, ठीक है, वेब लेआउट। जब मैं वेब लेआउट को यूज़ करता हूँ तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाता है, कुछ वेब डिज़ाइन की तरह, ठीक है। जिस तरीके से हमारी वेबसाइटें होती हैं उसी तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी आउटलाइन, ठीक है। जब मैं आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरीके से, ठीक है, हाईलाइट कराना चाहते हैं, कुछ तरीके इस तरीके से लिखाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं, क्या, आउटलाइन का, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद आती है हमारी ड्राफ्ट, ठीक है। जब मैं ड्राफ्ट में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो एक साइड खिसक गया, ठीक है, मतलब एक साइड चला गया, और वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरा वही है, ठीक है, बस क्या हो गया, छोटा हो गया और अलग साइड में चला गया, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, तो नॉर्मल क्या रखता हूँ, प्रिंट आउट ले, सॉरी, प्रिंट लेआउट में रखता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट में रखा तो मेरा डॉक्यूमेंट जैसे पहले था वैसा ही हो गया, ठीक है। आप समझ गए हो किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अगर आप फुल स्क्रीन को रीड करना चाहते हो इसका यूज़, अगर आप वेब लेआउट की तरह दिखाना चाहते हो इसका, आउटलाइन की तरह दिखाना चाहते हो इसका और ड्राफ्ट की तरह दिखाना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी शो एंड हाइड की, ठीक है। शो एंड हाइड में क्या होता है कि जैसे कि हमारे ये रूलर हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि हमारे जो ये रूलर हैं, ठीक है, ये हाइड हो जाएं, तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। देखिए मेरे जो रूलर थे वो चले गए। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं दोबारा ओके पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे द्वारा रूलर आ चुके हैं। इसके बाद आते हैं आप में डॉक्यूमेंट मैप, ठीक है, अपना जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखा है, ठीक है, आप उसमें आप उसको मैप में देखना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैप में देखना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ग्रिड लाइन। जब मैं ग्रिड लाइन पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा जो डॉक्यूमेंट था उसके पीछे क्या आ गई, एक, ठीक है, लाइन्स आ गई हैं बहुत सी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको भी हाइड करता हूँ। इसके बाद आए थंबनेल। आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, ठीक है, अब उसका क्या देखना चाहते, थंबनेल देखना चाहते हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, थंबनेल है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी जूम, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया, आप अभी मेरा 100 पर है, आप 200 पर रख सकती हैं। जैसे कि मैं 200 पर रखा और क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो क्या हुआ, लार्ज हो गया, ठीक है, जूम हो गया। अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है, क्लिक। इसके बाद आते हैं ये नंबर्स, ठीक है। अभी जो मैंने आपको, अभी मैंने इसमें 100 रखा था, ठीक है, क्या रखा था, 100 रखा था। तो यहाँ पर हम देखिए मेरा जो पेज का साइज़ कितना है, 100 है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी वन पेज, ठीक है। जब मैं वन पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो एक वन पेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है,
फुल। इसके बाद आती है हमारी टू पेज, ठीक है। जब मेरे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जब मेरे डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पर भी एक पेज आ जाएगा, और ये हमारा आता है पेज विड्थ, ठीक है। तो इसकी जो ये साइज है थोड़ी लार्ज हो जाएंगी, ठीक है, विड्थ में आ जाएंगी। न्यू विंडो, न्यू विंडो पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक न्यू पेज आ जाता है, ठीक है। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं, ठीक है, न्यू पेज पर आ जाते हैं। न्यू पेज पर भी हमारा यही डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अरेंज ऑल, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, जब मैं न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक न्यू पेज आ जाता है, ठीक है, इसी का ही जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है ना, इसी के न्यू पेज आ जाता है, ठीक है। उस न्यू पेज को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इसी पेज में अरेंज करना चाहते हैं, मतलब इसी स्क्रीन पर अरेंज करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अब मैं इसी के साथ ही उसको अरेंज करना चाहता हूँ, तो ओके पर क्लिक करूँगा। देखिए, फर्स्ट तो मेरा ये हो गया और सेकंड मेरा ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वन एंड टू के नाम से आ गया मेरा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये वाले को, ठीक है, और इसको नॉल पर रखता हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे स्प्लिट, ठीक है, क्या आते हैं, स्प्लिट। जब मैं स्प्लिट को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे डॉक्यूमेंट के बीच में क्या आ गया, एक स्केल आ गया, ठीक है। स्प्लिट नॉर्मली तब यूज़ होता है जब आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया और एक स्केल यहाँ पर लगा कर बीच में दूसरा भी तैयार करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, क्या आ गया, एक स्केल आ गया, तो इसको यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और क्या किया मैंने, ठीक है, थोड़ा और थोड़ा छोटा कर दिया, तो क्या हुआ, मेरा नीचे भी क्या हुआ, ठीक है, जो मेरा ऊपर डॉक्यूमेंट था वही सेम नीचे भी आ गया, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, समझिए आप कि किस तरीके इसके यूज़ होगा। जब आप चाहते कि आप, ठीक है, कि आपके पास ये जो ये वाला डॉक्यूमेंट है पहला, इसके नीचे दूसरा भी आ जाए, ठीक है, तो आप दूसरा भी ला सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो बाकी हम आज की वीडियो में तो हमने ये सीख लिया, ठीक है, पर आने वाले वीडियो हम मैक्रोस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज की वीडियो हम मैक्रोस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्रोस का केवल इसीलिए यूज़ होता है ताकि आप भी जिस तरीके से कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल प्लस एस शॉर्ट की हैं, उसी तरीके से मैक्रोस से भी शॉर्ट की तैयार होती है, ठीक है। किस तरीके से तैयार होती है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।